हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कॉइन है, ये कॉइन आपको एकदम सिक्के की तरह लगता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक कह सकता हूँ मैं, बहुत ही न्यू डिज़ाइन का बनाया है, जिसको आपकी मैं बताऊँगा कि इसका क्या प्रयोग है आपके लाइफ में, या फिर आप जिसे कारपेंटर का काम करते हैं उसमें आपका क्या प्रयोग है इसका, और बहुत सारी चीज़ें जो आप सभी को नहीं पता होंगी इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक जो डिज़ाइन बनाया गया है उसके लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और आप एक अपना जेन्युइन कमेंट करिएगा। दोस्तों जैसा कि ये आप देख सकते हैं एकदम सिक्के के आकार का एक कॉइन होता है, जिसे आपने अगर अपने घर में शीशा लगाया होगा जो कि दीवार से 1 इंच या 2 इंच बाहर रहता है, उसे शायद स्पेंसर कहते हैं, उसके आगे ये लगा रहता है, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और स्पेंसर मतलब जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत ही मतलब गुड लुकिंग दिखता है, जिसकी वजह से आप चाहते होंगे कि मैं भी वैसा, जैसे कि अगर आप कोई भी शीशा अगर आप दीवार में नहीं, अगर आप प्लाई पे लगाना चाहते हैं तो आप चाहते होंगे कि जो उसके चारों पेच होते हैं वो कैसे कवर किया जाए, तो उसी का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आप जो भी आपका मतलब पेज होता है उसको आपको क्या करना होगा, कुछ मैंने ये बना के रखा हुआ है, इसमें देखिए ये जो पीछे की जो पत्ती होती है इसको आपको खोलना होता है, फिर इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक पेज फंसा के रखा हुआ है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेज है इसके पीछे ये जो पत्ती होती है इसमें आपको एक पेज डालना होता है, जैसे कि ये मैंने छोटा सा पेज लिया है, पर आप बड़ा भी पेज ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पेज लिया हुआ है, आप इसमें पाटा पेज और स्टील के पेज लगाइए, आप इसमें वाले मतलब जो हाफ चूड़ी के पेज होते हैं वो नहीं लगा सकते, आपको यही पेज लगाने होंगे, क्योंकि ये पेज है इसकी जो ये कवर होती है ज़्यादा मोटी नहीं होती है, जैसे कि ये जो चीज़ होती है पूरी तरीके से बैठ जाती है, पर जो हाफ चूड़ी वाला पेज होता है उसका ये थोड़ा सा उभरा रहता है, जिसकी वजह से ये जो ये चीज़ है ये टाइट नहीं होता है, तो इसमें एकदम फुल एकदम टाइट हो जाता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें पेज कहाँ से लगा, ये बहुत ही मतलब अलग तरीके का और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लगता है आप सभी को। और अगर आप अपने दोस्त को परेशान करना चाहते या कुछ भी मतलब बदला निकालना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेज को आप ऐसे रख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे रख के उसकी गाड़ी के आगे लगा सकते हैं और उसकी गाड़ी हो जाएगी पंचर, उसके बाद आप गालियाँ खा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आप लोगों के लिए, ये केवल मजाक के लिए, कभी आप करिएगा नहीं, बस ऐसे ही मैंने मजाक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कवर होता है इसका पीछे का, ये जो कवर होता है आपको इसको यहाँ पे फंसाना होगा, फिर जैसे कि ये बोर्ड है यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे इसको लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको इसको कस लेना होगा, उसके बाद आप जो भी मतलब ये रहता है यहाँ पे देखिए आप इसके जो पीछे का ये रहता है आपको बस इसको ऐसे करके यहाँ पे कस देना होगा, और इसकी चूड़ी बहुत ही बढ़िया मतलब अच्छे से कस जाती है, और इसके बाद आप देख सकते हैं इसको कुछ भी इतना वो नहीं काम करता है, बहुत ही बढ़िया मतलब तरीके से एकदम जाम हो जाता है, जिसके बाद आप देख पाएंगे कि ये कितना अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। मैंने इसको नाम दिया है बेच के लगा तजाड़ा पहना दे के चड्ढी और नाड़ा, ये मेरा नाम है, बाकी इसका स्पेशल जो नाम है वो नाम शायद इसको कहते हैं जो पेज को जब आप कवर करते हैं उसको मिरर पेज कह सकते हैं आप, इसको मिरर पेज वैसे कहते हैं, या फिर और भी स्पेशल मिरर कवर पेज, और वैसे इसका नाम मुझे सही से पता नहीं है, बाकी आप चाहे तो इसी का मतलब जिसे अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप जिस भी दुकान पे जाते हैं वहाँ पे इसको ले सकते हैं। इसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपए तक एक मिलता है, 15 से 20 रुपए का। हाँ ये काफ़ी महंगा है, पर काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा गैजेट है, तो आप सभी को अगर परचेज़ करना तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मेरी कॉमेडी भी, तो प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं ऐसी नई नई वीडियोज़ कभी कभी लाता रहूँगा, वैसे तो मैं मॉडल किचन और उसके बारे में बताता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।